गुड मॉर्निंग माई डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। प्यारे बच्चों, आज हम अपनी जो नज़म है जीवे जीवे पाकिस्तान, आज हम इसके बारे में सीखेंगे, जिसे जमीलुद्दीन आली ने बड़ी खूबसूरती के साथ बयान किया है और अपने वतन अज़ीज़ की सलामती के लिए दुआ गो हैं। प्यारे बच्चों, अभी मैं इस नज़म की पढ़ाई करूँगी, आप बड़े अच्छे तरीके से इसको सुनिएगा। जीवे जीवे पाकिस्तान, जीवे जीवे पाकिस्तान, जीवे जीवे पाकिस्तान, महकी महकी रोशन रोशन प्यारी प्यारी न्यारी, रंग बरंगे फूलों से एक सजी हुई फुलवारी पाकिस्तान। मन पंछी जब पंख हिलाए क्या क्या सुर बिखेरे, सुनने वाले सुने तो इनमें एक ही धुन लहराए, पाकिस्तान। जीवे जीवे पाकिस्तान, बिखरे हुओं को बिछड़े हुओं को एक मरकज़ पे लाया, कितने सितारों के झुरमट में सूरज बनकर आया, पाकिस्तान। जीवे जीवे पाकिस्तान, सब मेहनत कश गले मिले और उभरा एक पैगाम, इस पैगाम को समझो ये है कुदरत का इनाम, पाकिस्तान। जीवे जीवे पाकिस्तान, झील गए दुख झेलने वाली, अब है काम हमारा, एक रखेंगे एक रहेगा, एक है नाम हमारा, पाकिस्तान। जीवे 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 पाकिस्तान, जमीलुद्दीन आली। प्यारे बच्चों, अभी हमने इस नज़म की जो है पढ़ाई की है, अभी आपकी लिए मैंने एक वर्कशीट तैयार की है। इस वर्कशीट में आप लोग देख रहे हैं कि आपकी सहूलत के लिए अल्फाज माए अभी उनवानात में देखिएगा, जैसे पढ़ाई है, बुक वर्क है, फिर सफ़ा नंबर 50 पर दिया गया, ठीक है, अल्फाज जुमले हैं और तशरीह है। आपकी सहूलत के लिए ये मैंने अल्फाज मैंने लिख दिए हैं, ठीक है, आप यहाँ से देख सकते हैं। इसके अलावा इन अल्फाज को आपने जुमलों में इस्तेमाल करना है, आप जुमले ख़ुद से भी बना सकते हैं। इसके साथ ही प्यारे बच्चों, ये इस नज़म के पहले बंद की तशरीह की गई है। अगर फिर भी आपको किसी भी बात की, किसी भी लफ्ज़ की समझ ना आए तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, यही काम जो है आपने अपनी कॉपी पर करना है। थैंक यू प्यारे बच्चों।